जब वो आपके अंदर जेलस का मामला, आप अपने घर में किसी और को बर्दाश्त ना करो, तो फिर इस तरह की जुगाड़ लगाए जाते हैं, जैसे कि मैं हूँ अपने घर की अकेली मालिक, मुझे अपने घर मेरे साथ कोई पसंद नहीं है। तो ये आ गई थी चूहों की टीम। अब दिन रात मैं परेशान थी, मैं इनसे किस तरह से अपनी जान छुड़ाऊं, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं आपको बताती हूँ, रुको जरा सब्र करो। मुझे किसी वेरी चालाक ब्रो ने ये बताया कि मुझे ये शीट लानी चाहिए जिसमें चूहे कैद हो जाते हैं, इवन चिपक जाते हैं। पहले तो मुझे लगा कि इसने कोई चवल ही मारी है, लेकिन फिर मैंने कहा क्यों ना मैं ये ट्राई करूँ, और मैं निकली और सोचा मैं ये शीट लेके आऊँ। तो जब आपकी बहन ने माशाल्लाह माशाल्लाह ये काम किया और मैंने नोटिस किया कि ये तो बड़ी आराम चीज़ है, और जब बारी बारी चूहे आके यहाँ चिपकने शुरू हुए, तो मुझे अंदाजा हुआ ये तो चूहों की पूरी फैमिली मेरा घर खरीदने के चक्कर में थी, और मुझे मेरे ही घर से बेघर करने के चक्कर में थी। तो जनाब मैं तो होगी थोड़ी सतर्क, क्योंकि ऐसे मामला में थोड़ा तो सावधान रहना चाहिए। आप मेरी हिंदी पे परेशान ना हुआ करें, मैं मुस्लिम ही हूँ, तो प्लीज मुझे हॉट लाइक हेल्प कमेंट ना कीजिएगा। मेरी फ्रेंड मुझे कहती तुम ये काम कर नहीं सकती, चूहे पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। तो मेरी उस प्यारी सी दोस्त के लिए मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो मैंने किया। फाइनली मैंने चूहों की पूरी फैमिली को कैद कर लिया और आधे से ज्यादा वैसे डर के भाग गए हैं। आज तो सेलिब्रेशन बनता है जितना बड़ा काम मैंने किया, क्योंकि मुझे इनसे बहुत नफरत आती है, मुझे बहुत गंदे लगते हैं।